अगर आपके पास 500 के पुराने नोट हैं तो आप आज रात 12 बजे तक ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज रात के बाद यानी 15 दिसंबर के बाद यह नोट कहीं नहीं चलेंगे, सिर्फ बैंकों में ही आप इन नोटों को जमा करा पाएंगे। तो आपके पास सिर्फ आज का ही दिन है कि आप 500 रुपए के पुराने नोट को दवा की दुकानों, बिजली बिल या पानी बिल आदि सेवाओं के भुगतान में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधी रात के बाद ये रियायत खत्म हो जाएगी। सरकार ने पहले ही रेलवे, विमान टिकटों, पेट्रोल पंपों, टोल प्लाजा और मेट्रो सेवाओं पर 500 रुपए के पुराने नोटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आपको मालूम हो कि 1000 रुपए के पुराने नोट 24 नवंबर की आधी रात से ही चलने बंद हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने धीरे धीरे 500 रुपए के पुराने नोट पर भी रोक लगानी शुरू कर दी और अब आज के बाद यह नोट पूरी तरह चलन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन नोटों को 30 दिसंबर तक अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं और उसके साथ ही रिजर्व बैंक के जरिए 500 के पुराने नोट अगले साल 31 मार्च तक बदले जा सकते हैं। नोटबंदी के बाद से ही लोग परेशान हैं, बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे में जरूरी जगहों पर 500 के पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट ने लोगों को थोड़ी राहत दे रखी थी, लेकिन आज के बाद ये राहत भी अब लोगों से छिन जाएगी। देखते रहिए डीबी लाइव।